हेलो दोस्तों, मनोज पिलपिया चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम अपने चैनल पर अपने भाई बहनों के लिए हरियाणा करंट अफेयर की एक सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें हम 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं हरियाणा करंट अफेयर के पिछले एक साल के। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, लेकिन हम ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही शेयर करेंगे, जिसमें से आने वाले HSSC के एग्ज़ाम में इनमें से 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, हम इसके एक PDF भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे क्या होगा कि जिन मेरे भाई बहनों के पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है या नेट अवेलेबल नहीं है, तो एक बारी PDF को डाउनलोड कर लें और उसको बाद में देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 23। हरियाणा के श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक ने हरियाणा सरकार की किस पहल के तहत रोजगार विभाग की वेब पोर्टल जो दिया हुआ है का अनावरण किया। दोस्तों, ये आता था गवर्नमेंट टू सिटीजन। दोस्तों, जो वेब पोर्टल है ये के माध्यम से विभाग की कितनी सेवाएं घर बैठे ऑनलाइन निःशुल्क उपलब्ध होंगी। दोस्तों, इसके अंदर जो हैं 7 सेवाएं हैं आएंगी, और मैं बता देता हूं दोस्तों, जो मंत्री अनूप धानक हैं उनका क्षेत्र है उकलाणा, जो कि हिसार डिस्ट्रिक्ट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए प्रदेश में कौन सा विभाग बनेगा। दोस्तों, ये जैविक खेती विभाग बनेगा, और जो कृषि के अंदर आता है, और कृषि मंत्री इस टाइम पर जयप्रकाश दलाल हैं, और जिनका क्षेत्र है दोस्तों भिवानी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोहारू क्षेत्र है दोस्तों, लोहारू भिवानी के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 33वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले 2019 का थीम स्टेट किस राज्य को बनाया गया। दोस्तों, 2019 में जो 33वां सूरजकुंड मेला बना था, उसमें थीम स्टेट थी दोस्तों महाराष्ट्र थी, और अभी जो 34वां जो सूरजकुंड मेला लगा है 2020 में, अभी जो थीम स्टेट थी दोस्तों हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल के VC कौन है। दोस्तों, डॉक्टर समर सिंह, जो अभी करंट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव में लोगों को व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण के लिए दी जाने वाले 12,000 रुपये की राशि अदायगी का अधिकार किसको दिया गया। दोस्तों, ये डायरेक्ट गवर्नमेंट देती थी, लेकिन अब क्या है कि ये पंचायत समितियाँ इसको दे सकती हैं जिनको ज़रूरत है। यह घोषणा 1 अप्रैल से लागू होगी, 2020 1 अप्रैल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में हुई हरियाणा राज्य सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की 51वीं बैठक में 201 करोड़ रुपये के कितने नए प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई है। दोस्तों, ये 212 प्रोजेक्ट थे जिनको मंजूरी दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन एक्ट के तहत प्रदेश में कितने परिवार ने सरकार के पास आवेदन कर देश की नागरिकता देने की मांग की है। दोस्तों, ये 1500 लोग थे, जो भी बता देता हूँ दोस्तों, जो अभी NPR का जो CEA का कानून बना है, उसके अंतर्गत इन लोगों को खतरा हो चुका है, तो इन्होंने आवेदन किया है कि हमें नागरिकता दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, INALO ने किसे प्रदेशाध्यक्ष बनाया है। दोस्तों, ये नए बने हैं नफे सिंह राठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में 4th एग्री लीडरशिप समिट 2019 का आयोजन कहाँ किया गया। दोस्तों, ये गनौर में किया गया, जो कि सोनीपत में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICAT का पूरा नाम क्या है। दोस्तों, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल सेंट्रल फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी। दोस्तों, ये मानेसर में है, और देश का सबसे पहला हाई सिक्योरिटी फीचर युक्त सर्टिफिकेट लॉन्च किया गया था। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में पहली इको फ्रेंडली जेल बनी है। दोस्तों, ये पानीपत में बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के गांव में वेस्ट प्लास्टिक से सड़कें बनाने के लिए प्रथम चरण के लिए कौन से जिलों के गांव को चुना गया है। दोस्तों, ये रोहतक, सोनीपत और झज्जर के गांव को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CM मनोहर लाल खट्टर ने प्रत्येक विधायकों को विकास कार्यों के लिए कितने करोड़ रुपये दिए जाने का निर्णय लिया है। दोस्तों, 5 करोड़ रुपये प्रति विधायक को दिए जाएंगे, यानी कि 90 विधायक हैं तो 450 करोड़ रुपये के टोटल बनेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की तर्ज पर अब हरियाणा विधानसभा में भी साल का सर्वश्रेष्ठ विधायक चुना जाएगा। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा जिसके अध्यक्ष कौन होंगे? दोस्तों ये अध्यक्ष होंगे विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, और जिनका विधानसभा क्षेत्र आता है दोस्तों पंचकुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का दूसरा MDR टीवी सेंटर कहाँ खोला जा रहा है? दोस्तों ये भगत फूल सिंह महिला जो मेडिकल कॉलेज है खानपुर के अंदर, वहाँ पर खोला जा रहा है। दोस्तों MDR टीवी मल्टी ड्रग्स रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस जो पहला था दोस्तों ये रोहतक में था, यानी कि अब दूसरा खोला जा रहा है, पहले रोहतक में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के पानीपत जिले में हर साल 20 तारीख को मराठा शौर्य दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया है। दोस्तों ये 14 जनवरी को, और बता दें कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 14 जनवरी 1761 को वर्तमान हरियाणा में स्थित पानीपत के मैदान में हुआ था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की राजधानी से आलू की 60 किस्में हरियाणा के करनाल के शामगढ़ स्थित आलू प्रौद्योगिकी केंद्र में लाई गई हैं? दोस्तों ये पेरू की राजधानी लीमा से लाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू का उत्पादन बढ़ाने के लिए किस तकनीकी से आलू बीज का उत्पादन किया जा रहा है? दोस्तों ये तकनीक का नाम है एरोपोनिक तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों को फसल प्रबंधक की तरफ अग्रसर करने के लिए सरकार ने प्रदेश के 22 जिलों में कितने पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट केंद्र खोलने की योजना तैयार की है? दोस्तों ये 140 जो हैं टोटल खोले जाएंगे केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CM मनोहर लाल खट्टर के द्वारा 29 दिसंबर को मजदूरों व किसानों के लिए सस्ती दर पर पौष्टिक आहार मुहैया कराने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? दोस्तों इसका नाम था अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी? दोस्तों ये करनाल से की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबाला सिटी के गीता नगरी में किसकी स्मृति में अनूठा गोलाकार जैन मंदिर बनाया जा रहा है? दोस्तों ये जैन मुनि विजय इंद्रदिन सूरीश्वर की स्मृति में बनाया जा रहा है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 दिसंबर 2019 को सुशासन दिवस पर CM मनोहर लाल ने किन योजनाओं व परियोजनाओं की शुरुआत की? दोस्तों ये थी राज्य के नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक्स रूप से डिजिटल लोकर सुविधाएं देने की शुरुआत, 22 जिलों की वेबसाइट का शुभारंभ, 91 तहसीलों के लिए वेब हेल्प्स की शुरुआत, करनाल के सिरसी गांव को लाल डोरा मुक्त करते हुए डिजिटल मैप का उद्घाटन, और लोकायुक्त पोर्टल की भी शुरुआत, पोर्टल पर लोगों की शिकायतें ली जाएंगी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड गवर्नेंस इंडेक्स में हरियाणा को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? दोस्तों ये 7वां नंबर प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 दिसंबर 2019 सुशासन दिवस के अवसर पर किस मंत्रालय द्वारा सुशासन सूचांक की शुरुआत की गई? दोस्तों ये थे कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश में ग्रीनरी बढ़ाने के लिए केंद्र पर्यावरण मंत्रालय की ओर से कितने करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया गया? दोस्तों ये थे 1282 करोड़ रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों की आय को बढ़ाने के लिए राज्य में किस प्रकार के टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा? दोस्तों ये फार्म टूरिज्म, हरियाणा के जो अभी करंट में पर्यटन मंत्री हैं वो कंवरपाल गुर्जर हैं, और जिनका विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों जगाधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हारसेक का पूरा नाम क्या है? दोस्तों ये हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, हरियाणा अंतरिक्ष उपयोग केंद्र। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा अंतरिक्ष उपयोग केंद्र हारसेक किस जिले में है? दोस्तों ये हिसार में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों ये है अंजनथली करनाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक में यमुना नदी पर कितने पुलों का निर्माण पर सहमति जताई गई? दोस्तों इस पर 3 पुल बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किसकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया जो खुफिया विभाग में सुधार के लिए अपने सुझाव की रिपोर्ट तैयार करेगी? दोस्तों ये होम सेक्रेटरी विजयवर्धन की अध्यक्षता में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सक्षम के तहत
अब कौन अपने स्तर पर सरकारी स्कूलों में टीचर रख सकेंगे दोस्तों, ये अधिकार अब पंचायतों को दिया गया है। और बता दें कि जो शिक्षा मंत्री हैं कौल पार गुजर हैं, और पर्यटन मंत्री भी कौरपाल गुजरी थे। इन टीचरों को मान्यता पंचायत ही देगी, अगर पंचायत समर्थ नहीं है तो फिर विभाग सैलरी देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस किनके जन्मदिवस पर मनाया जाता है दोस्तों? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण राष्ट्रीय किसान दिवस की भारत के पांचवें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सम्मान में मनाया जाता है। 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक उन्होंने बहुत ही छोटे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में श्री विश्वकर्मा स्किल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? दोस्तों यह दुधौला पलवल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री विश्वकर्मा स्किल विश्वविद्यालय में कौन सी भाषा सिखाई जाएगी? दोस्तों यह जर्मन भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 दिसंबर 2019 को कौन सी गीता जयंती मनाई गई? दोस्तों ये 5157वीं जयंती थी। दोस्तों ये 60 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं, और ऐसे ही हम आपके लिए PDF भी प्रोवाइड करेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि हमें बहुत सारे सोर्सेज से वीडियो क्वेश्चंस लेने होते हैं, फिर उसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं उनको लिखना और फिर वीडियो बनाना एक थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हम बहुत अच्छी तैयारी कराएंगे हम सभी स्टूडेंट्स की, अपने भाई बहनों की। तो आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिएगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।